गया तो मैं यही हाल हो गया तेरा। नशाने तू कह रही थी कि तुम्हारे पिताश्री जंगल शिकार खेलने के लिए गया। हाँ मेरे लाल। और कभी लौट कर के वापस नहीं आया। हाँ बेटा अभी वापस तुम्हारे पिताश्री नहीं आए। माँ अगर मैं तुम्हारी बात को मान लेता तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। तुमसे आशीर्वाद लेकर के मैं शिकार खेलने के लिए जंगल को गया और जंगल में मैं एक मिर्गा को अपने बाणों का शिकार बना लिया। मैं इस बात को नहीं जानता था मां कि वह मिर्गा 700 मिर्गी नहीं ने एक ही मिर्गा था। हे भगवान हे भगवान। 700 मिर्गी नहीं ने मुझे श्राप दिया। श्राप से मुक्ति पाने के लिए 700 मिर्गी नहीं का पांव पकड़ करके मैं लाख गिर गिराया तो जाकर के उन्होंने कहा कि जा गलती तो तू किया है लेकिन इस जंगल में मैं तुम्हें सहायता नहीं कर सकता। तू मुझे मां कहा है तो मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति पाने का मार्ग बता सकता। क्या बात है बेटा। वह 700 मेरी नैनी ने मुझे कहा तू गुरु गोरखनाथ के शरण में चला जा और गुरु गोरखनाथ ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति पाने का मार्ग बता सकते हैं। इसीलिए मां पास दरबार में नहीं आया। श्राप से मुक्ति पाने के लिए मैं गुरुदेव के शरण में चला गया लेकिन गुरुदेव का कहना हुआ संसार में तू मुक्ति चाहता है तो तुम्हें योगी बैरागी बनना पड़ेगा और संसार में पहला भिक्षा तुम्हें अपनी मां के हाथों से लेना पड़ेगा और दूसरा भिक्षा अपनी पत्नी के हाथों से और तीसरा भिक्षा अपने बहन के हाथों से। माँ सोचा था मेरी माँ मुझे नहीं पहचान पाई। चुपचाप भिक्षा लेकर के गुरुदेव के शरण में चला जाऊंगा तू तो मुझे नहीं पहचान सकी लेकिन महारानी ने मुझे पहचान लिया। फिर भी मैं गुरुदेव की इच्छा अनुसार में उसे भी टाल दिया लेकिन मां और पुत्र का रिश्ता बाह्य अटूट होते हैं। आज तुम्हारे दूध के सामने मैं हार चुका हूं मां। मेरे गुरुदेव का वचन भी दूध के सामने आज मिथ्या हो गया। हे माता इस समय मैं आपका पुत्र नहीं बल्कि मैं योगी बैरागी हूं। एक भिखारी बाबा समझ करके अपने हाथों से मुझे भिक्षा दूंगा ताकि मैं संसार में मैं शराब से मुक्ति पा सकूं। सच कहता है मेरे लाल इस समय तो अपने वचन में अपने वचन में है अगर मैं इस समय तुम्हें भिक्षा नहीं देती हूँ तो तुम्हारा वचन टूट जाएगा मेरे लाल। देरी ना लगाई बागे पाई आज
घर आइए। आप ही नाम के घर दौर में जो माए संसार से गुजर चुकी हैं, उन्हीं का पोता श्री बंसीधर जी, क्या बात है, इन्होंने जोगी बाबा को बहुत ढेर सारे रुपए से नवाजे हैं। नवाजी का लाख लाख धन्यवाद। तेरी ना बेटा, मैं तो भिक्षा तो दे रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ मेरे लाल। कहो माँ। मेरी शर्त ये है, तुम यहाँ से जा तो रहा है, लेकिन पहले तुम अपना दूध का कर्ज मेरा चुका के यहाँ से जाओ मेरे लाल। शिमाता। हाँ मेरे लाल। उसके लिए आप मेरा इंतजार करें। कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा मेरे लाल? जब तक मैं गुरुदेव की शरण से वापस नहीं आ जाऊंगा, जब तक मैं गुरुदेव का कर्ज अदा नहीं कर दूंगा, तो आपका दूध का कर्ज मैं कैसे अदा कर सकूंगा माँ? इंतजार करो अपने पुत्र का, जिस दिन मैं गुरुदेव के शरण से आऊंगा। और माँ, संसार में जितने भी पुत्र हैं, माँ के दूध के सामने सभी छोटे पड़ रहे हैं। क्यों? आज तक कोई भी पुत्र अपने माँ का दूध का कर्ज को अदा नहीं कर सका। माँ, तुम मैं कैसे करूं? तो बेटा ठीक है, मैं इस समय तुम्हें भिक्षा दे रही हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें याद रखना, जिस तरह तुम्हारा सब वचन पूरा हो जाएगा बेटा, तो तुम मेरे शरण में चले आना, मुझे गले से लगा लेना मेरे लाल। हाँ लौटिए कयाई बहु के माया, आप अपने हाथों से मुझे भिक्षा देकर के बहुत बड़ा मेरे ऊपर उपकार किया माँ। हाँ मेरे लाल। लेकिन कम से कम इतना कर दो, मुझे अपने बहू के हाथों से भिक्षा दिलवा दो माँ। बुलाओ अपने बहू को और उसे कहो कि वो मुझे भिक्षा दे। ठीक है बेटा, मैं अभी जा रही हूँ, उसे भेज रही हूँ। और तेरी ना लग गई माया माई, आजुए बिना माया माता,
गोवरनाथ बदमन जान ऐसी गोवरनाथ आरो दूसरा प्रचार नहीं भरावा पड़े छो खाली भैंसिया गोबर वाला प्रचार गोवरनाथ नहीं बच्चा गुरु गोरखनाथ हमरा से नहीं होता लेकिन जोगी बाबा इस समय आपने बाल के दादी माँ के हाथों से आपने भिक्षा ले चुके हैं आप किसके हाथों से भिक्षा चाहिए अब इस हवेली के बहू के हाथों से भिक्षा चाहिए बहू के हाथ से क्या बूढ़ी माँ तुम्हें नहीं कहा हाँ महारानी जी को साथ लाए हैं ठीक हेलो तो ठीक क्या जितना जल्द हो सके मुझे भिक्षा दिलवा आइए मास्टर साहब अकेरी नाला आ गई मां